हाँ तो प्रकाश जी बताइए, आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक की मर्यादा भूल गए। आप जैसे लोग ही शिक्षक की गरिमा को कलंकित करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? सच्चाई बता दीजिए शिक्षक महोदय जी। कैसी सच्चाई भाई, आप लोग मुझे यहाँ क्यों पकड़ के लाए हैं? जो कारनामा आपने किया है उसी की वजह से आपको यहाँ पर हम पकड़ कर लाए हैं। बोलिए। लेकिन हमने किया क्या है, आप बताएंगे? आप नीतू को लेकर देवघर जाने वाले थे और देवघर जाने से पहले रास्ते में ही आपने उसकी हत्या कर दी, क्यों? बोलिए। देखिए आप लोगों को गलत फहमी हुई है, हमने अपने जीवन में किसी से झगड़ा तक नहीं किया है, तो हत्या कैसे कर सकते हैं? और ये नीतू कौन है? झूठ बोल रहे हैं आप। आप नीतू से घंटों बातें करते थे और आपने अपना मोबाइल ऑफ क्यों रखा? हमारा मोबाइल तो हमेशा ऑन रहता है। ये देखिए, तुम्हारे दूसरे मोबाइल की बात कर रहे हैं हम। दूसरे नंबर की? सर दूसरा नंबर तो हमने लिया ही नहीं है। फिर झूठ। ये नंबर आपके ही नाम है। देखिए हमारा विश्वास कीजिए, हमने अपने नाम पर दूसरा नंबर लिया ही नहीं है। चलिए मान लेते हैं ये आपका नंबर नहीं है, पर ये बताइए बगैर आपके आईडी प्रूफ के ये नंबर आपको इशू कैसे हुआ? देखिए ये सब क्या हो रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताइए, आपने अपना आईडी प्रूफ किसी को दिया था क्या? अपने बेटे का पासपोर्ट बनवाने के लिए गलती से हमने अपना ही आईडी प्रूफ दे दिया था। किसको दिया था? एजेंट को। नाम क्या उसका? बोले। शमशुद्दीन। उसका नंबर है तुम्हारे पास? जी हाँ, ये देखिए। चल धरा। देखिए हमारे बात माने, हम कुछ नहीं कह लिए, कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, तूने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन टीचर का नाम सिम क्यों खरीदा? हम काहे के ओम के नाम पे सिम ले? ये तो तुम ही जानते हो। बता तूने ओम प्रकाश पांडे के नाम पे सिम क्यों लिया? वो लोग क्या कहता है हमारा कुछ समझ में नहीं किया। देखिए हम पासपोर्ट बनावे काम करता नहीं और लोगों की जिंदगी का भी वीजा इशू करता है। कैसे जिंदगी का वीजा इशू करने की बात करता हूँ? प्रकाश सर, चाकू पर लगे हुए उंगलियों के निशान किसी लेफ्ट हैंडर के हैं और ये भी लेफ्ट हैंडर है। कैसन चाकू पे उंगली के निशान के बारे में वालों को पूछा था नहीं? बोल, तूने नीतू की हत्या क्यों की? जय जय जय। अब बोल, तूने नीतू की हत्या क्यों की? कैसन हत्या? तो तुम हमें सच नहीं बताओ। प्रकाश सर, इसके ऊपर धोखाधड़ी का चार्ज लगाओ, इसकी दुकान सील कर दो, हत्या का आरोप तो लगा ही है। शमशुद्दीन, हमसे झूठ बोलने का नतीजा बहुत बुरा होगा, अब भी वक्त है, सच सच बता दे। बोल। बता। बोल। तो बता, ने ओम प्रकाश पांडे के नाम से सिम लिया था या नहीं? बोल। खरीद ले रहे। नहीं तो उसे घंटों बात किया करता था ना तू, ऐसा झांसा दिया तूने उसको? हम बात नहीं कर रहे। तो फिर कौन बात करता था? विधायक जी। कौन विधायक जी? पंकज कुमार। अच्छा कस्टडी में ले जाओ। विधायक पंकज कुमार? सर ये विधायक बहुत ही रसूख वाला आदमी है, पर हमारे पास इसके खिलाफ सबूत है। मिस्टर विजय प्रताप, विधायक हो या सांसद, अगर क्राइम किया है तो हमारे लोग क्रिमिनल ही है। उस विधायक के खिलाफ जांच करने के लिए हम परमिशन भिजवाते हैं, आप अपनी कार्रवाई करिए। ओके सर। अरे आओ आओ प्रकाश सर, हमें विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की परमिशन मिल गई है। फिर देर किस बात की सर? हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, देर किस बात की है, जाओ तुम सब। कहिले उठतिया जाना लगे। विधायक जी को बुलाओ। राय जी को नहीं की साहब। कहाँ गए? ये तो नहीं की पता। कब गए? दो दिन पहले। लगा तो दिल्ली गेल वाला। चलो
हाँ प्रकाश बोलो। सर विधायक जी अपने घर से 2 दिनों से लापता है। हाँ पर हमने अभी बिहार के DGP से बात तो कर ली है ना। उस विधायक के खिलाफ जब हमें परमिशन मिल गई है तो फिर देर किस बात। तुम्हें काम करो, विधायक के हर ठिकाने पर रेड करो और उसे गिरफ्तार करो। सर सर, वो विधायक जी का पता चल गया है। खबर पक्की है? यस सर। चलो। तुम लोगों ने हमको यहाँ लाकर पाउटा बड़ी गलती की। और तुमने जो नीतू के साथ किया क्या वो सही था? कहाँ बकवास कर रहे हैं, हम कौन नीतू को नहीं जानते हैं जी। आवाज नीचे, ऐसे थौंस जमाने से आप गुनाह को छिपा नहीं सकते। ए SP, ये हमरा ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं आप, हम कौन गुनाह नहीं किए हैं। आप चाहे लाख मना करें लेकिन आपका आदमी गुनाह कबूल कर चुका है। कौन सा हमारे पास कोनो आदमी उदमी नहीं है। अच्छा शमसुद्दीन को जानते हैं? ससुरा शमसुद्दीन कहाँ से आ गया जी? वही जिसने आपको सिम दिया था और जिस नंबर से आप घंटों बात किया करते थे नीतू के साथ। कौन सा सिम? मैं किससे बातें करता था? कहा नाम शराब बक रहा है SP साहब, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। देखिए विधायक जी, हमारे पास आपके खिलाफ सबूत मिल चुका है। शमसुद्दीन ने सब उगल दिया। क्या उगल दिया? कौन सा सबूत मिल गया आपको? आपकी फोन का लोकेशन और नीतू की फोन का लोकेशन उसकी हत्या के समय एक ही था। अब आप जितनी जल्दी अपनी सच्चाई को कबूल करेंगे आपकी मुसीबत उतनी ही कम। नहीं तो आप भी नहीं जानते आगे आपका क्या हश्र होने वाला। बताइए नीतू की हत्या आपने क्यों की? मैं आपसे कह चुका हूं शमसुद्दीन सब कबूल कर चुका है, हम आपके मुंह से सच्चाई सुनना चाहते हैं। बताइए। बोलो पंकज जी, अब आप अपना सुर खोलिए। देखिए SP साहब, नीतू बहुत ही खुले विचारों वाली और महत्वाकांक्षी लड़की। जब हम उससे पहली बार मिले तो उसकी खूबसूरती पर बहक गए थे। नीतू को कब से जानते थे? उसके कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम था और हम उसमें चीफ गेस्ट थे। नीतू डांस प्रोग्राम में फर्स्ट आई, हमने उसे ट्रॉफी दिया, तभी से उससे हमारा परिचय हुआ। अरे नीतू जी, खड़ी कहाँ है? बैठे ना, अरे बैठे। क्या मंगाए आपके लिए? चाय, कॉफी, ठंडा? कुछ नहीं सर, थैंक्स। नहीं 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 नहीं, देखिए आप हमारी मेहमान हैं, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बोलिए ना। नहीं सर, प्लीज, थैंक यू। देखिए थैंक यू का क्या फॉर्मेलिटी ना कीजिए, हमारा नया परिचय थोड़े ना है। अरे हमारा परिचय तो उसी दिन हो गया था जब हम फंक्शन में मिले थे। कहाँ डांस की थी हम? हाय 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 हाय, स्टेप वो याद है ना, कमरिया लटका के राम कसम जान ही ले ली थी हमारा। विधायक जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं नीतू जी, बोलिए ना। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं।
क्या करे। तो इसमें रिक्वेस्ट वाली क्या बात है, हक से बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? विधायक जी, बात ये है कि हम BMS की पढ़ाई के साथ साथ हॉस्पिटल में नौकरी करना चाहते हैं। नौकरी? नौकरी कहाँ करना चाहती हो? पहले पढ़ाई पूरा कर लीजिए और पास आउट होकर आइए, हम कौनो बड़ा हॉस्पिटल में आज डॉक्टर अपॉइंट करवा देंगे, ये हमारी गारंटी रही नीतू जी। हाँ, और रही बात पैसा की, हम कौन दिन काम आएंगे नीतू जी? अरे हमारा पहुंच यहाँ से लेकर दिल्ली तक है। देखिए नीतू जी, आप तनिको चिंता ना कीजिए। नीतू जी, कल शाम क्या कर रही हैं आप? कुछ खास नहीं, बोलिए। कल हम एक छोटी सी पार्टी रखे हैं और हम तहे दिल से चाहते हैं कि आप उस पार्टी में आए। आइएगा ना? हाँ, बोलिए ना। काहे नहीं आएंगे सर, जरूर आएंगे। ये भाई ना बात, तो मिलाओ हाथ। मोस्ट वेलकम नीतू जी, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? प्रणाम। आइए आइए बैठिए। अरे बैठिए ना। अब आप सोच रही होंगी कि हमने आपको पार्टी में बुलाया और यहाँ पार्टी है ही नहीं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आप हमारे मेहमान। मान लीजिए उस दिन आपने जो ट्रॉफी जीती थी ना, उसी की खुशी में हमने आपके लिए पर्सनल पार्टी अरेंज किया है। नीतू जी, एक बात बोले, एक गीत सुनी है आप? कौन सा गीत? पुरानी है, बाकी गीतकार की कल्पना। ओहो, सुनाए हम आपको? जी सुनाइए। जिस महफिल में आप आ जाते हैं, हर चीज पे नूरा जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूरा जाता है। कैसी रहा नीतू जी? बहुत अच्छा। आप बताइए, आज के बाद से हमसे फॉर्मेलिटी नहीं ना करेंगी? नहीं नहीं, आज के बाद हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। तो मिलाओ हाँ। नीतू जी, जी आपकी ये महत्वाकांक्षा और आगे बढ़ने की सोच हमको बहुत पसंद आई, और इस तरह हमारे रिश्ते गहरे होते गए। और तुमने उस लड़की की महत्वाकांक्षा का नाजायज फायदा उठाया। नहीं SP साहब, हमने उसका नाजायज फायदा नहीं उठाया। तो तुमने उस लड़की की हत्या की क्यों? तो क्या करते हम, सचुरी हमको ब्लैकमेल करने लगी थी SP साहब। तो हम यहां मत आया करो, पैसा हम तुम्हारे घर भिजवा देंगे। क्यों, आपको डर लग रहा है का? देखो हमारी इज्जत का बात है। और हमारी इज्जत का क्या? हाँ देखो, हमसे बहस मत करो, हम कह देते हैं। देखिए हम बहस नहीं कर रहे हैं, हमको हासिल करने के बाद आपको इज्जत दिखाई दे रहा है, इसके पहले आपको इज्जत का ख्याल नहीं आया। और एक बात दोनों कनवा खोल कर सुन लीजिए, अगर हमको धोखा देने की कोशिश किए ना, आपकी बीबी को तो बताएंगे ही और साथ साथ सबको बताएंगे, समझे आप? अरे नीतू डाली, तुम तो बेवजह नाराज हो रही हो। अरे हम तो देखना चाहते थे कि हमारी मोहब्बत की आग कहीं ठंडी तो नहीं पड़ गई। नमस्ते। अरे
नीतू डार्लिंग, हेलो यार, हम सोच रहे हैं पिकनिक पे चलने का। और तुमने उसकी हत्या का पिकनिक मना दिया। उस लड़की की तो उम्र कम थी, उस वक्त समझ नहीं पाई। तुम तो काफी समझदार थे, ऐसा घिनौना काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अच्छा ये बताओ, तुम तो उस लड़की को लेकर देवघर जा रहे थे ना, फिर रास्ते में ही उसका मर्डर क्यों कर दिया? लास्ट में हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया। दिन भर हम दूसरे घर पर रहे और शाम को घूमने निकले। ये शमसुद्दीन तुम्हें कहाँ मिला? वो हमारी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इतना घंटों से गाड़ी में बैठे हैं, थक गए हैं। थोड़ा खुली हवा में चांदनी रात का मजा ले लिया जाए। अरे नहीं नहीं, चलिए। इतनी भी क्या जल्दी है जाने पर, थोड़ा इंतजार करो, चलते हैं। अरे नहीं नहीं, देरी होगा, चलिए ना। नीतू डाली, तुम जल्दबाजी में हर जगह पहुंचना चाहते हो। लो, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते। ससुरी मेरी बीबी को बताएगी, पार्टी सदस्यों के सामने मुझे जलील करेगी, हाँ मुझे ब्लैकमेल करेगी, मुझे। अरे दुनिया को हम ब्लैकमेल करते हैं और ससुरी हमको ब्लैकमेल। साले शमसुद्दीन। जी सर। ठिकाने लगा दे इसे, यहाँ सड़क ही में फेंक दे। का फेंक दे, जो होगा देख लेंगे। ठीक है। तुम्हें अपने धन और बल पर बहुत घमंड था कि कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ सके। इंसान के पास जब बेहिसाब दौलत होती है तो दौलत और रसूख के नशे में वो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ती है। तुमने भी कुछ ऐसी गलतियां की। जय तो गिरफ्तार करो इसे। चलो